बीजापुर जिले के पालनार से साबनार के बीच में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा की दृष्टि से डीआरजी और बस्तर फाइटर समेत बीडीएस की टीम डी माइनिंग पर निकली है। वहीं डी माइनिंग के दौरान डीआरजी और बीडीएस की टीम ने साबनार रोड के बीच में 21 आईईडी बम बरामद किए हैं। आपको बता दें कि यह आईईडी बम नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से रोड के किनारे 20 से 50 मीटर की दूरी पर लगाए गए थे। वहीं सुरक्षा बलों की सतर्कता और सूझबूझ के चलते डी माइनिंग कार्रवाई के दौरान नक्सलियों के नापाक मंसूबों को विफल करते हुए तकरीबन 21 आईईडी बमों को बरामद कर मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया है। वहीं बीजापुर क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए पालनार में फॉरवर्ड बेस कैंप बनाया गया है। वहीं इस कैंप के बनने पर स्थानीय क्षेत्र में सघन सर्चिंग जारी है। आज दिनांक 16 दिसंबर को नवीन स्थापित कैंप पालनार से बीडीएस बीजापुर की एवं बीडीएस सीआरपीएफ 222 की संयुक्त टीम रवाना हुई थी, जिसका उद्देश्य पालनार से सावनार के मध्य निर्माणाधीन सड़क का डीमाइनिंग का कार्य करना था। डीमाइनिंग की कार्रवाई में कुल 21 आईडी बरामद किए गए हैं। ये सभी आईडी माओवादी द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से 10 से 50 मीटर की दूरी पर लगाए गए थे और ये सभी आईडी प्रेशर आईडी थे। इन सभी आईडी को बीडीएस की टीम द्वारा मौके पर ही निष्क्रिय किया गया है।